देखा गाइस, इसलिए फिर बाद में बोलता है कि बाद में आप लोग बोलते हो कि मेरे को व्लॉग, उसको व्लॉग में लो, व्लॉग में लो। वो खुद ही नहीं आसाना चाहता। चलो वापस ट्राई करते हैं। मीटिंग में हूँ अभी। गाइस वेलकम बैक टू माय व्लॉग। मैं मीटिंग में हूँ अभी, बात करने देना। मेरी नानी ने लजीज खाना बनवाया है। गोभी की भाजी, चिकन है, पनीर की भुर्जी जो बहुत टाइम बाद बनी और इतनी स्वाद है इसमें। और ये कौन सी दाल है? तुअर दाल। तुअर दाल आज बहुत मन। भैया जानना चाहते थे कि सागर क्या करता है दिन भर? सागर दिन भर सोता है। सोता है और पूल खेलते रहता है। अनवर और क्या करता रहता है? अभी क्या नया चीज क्या शुरू है इसका? क्या खेलता है? PS5। कैसा कैसा खेलता है? कैसा कैसे 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 कर 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 एक बार आपसे कर कर करना कैसे करता है? है कर यार। गोभी की भाजी, ये क्या बोलते हैं, पनीर की भुर्जी और दाल। पनीर की भुर्जी इज आउटस्टैंडिंग। इससे अच्छा पनीर भुर्जी बना ही नहीं सकता कोई। माय नानी इज द बेस्ट शेफ इन द वर्ल्ड। दुनिया का सबसे बेस्ट पनीर भुर्जी आपने बनाया, वो भी बहुत सालों बाद बनाया। जेन्युइनली बात कर रहे हैं, ऐसा पनीर भुर्जी हमने नहीं खाया। इट इज आउटस्टैंडिंग। अरे ये तो और भी मजा आ रहा है। और ये वही रेसिपी है जो मैंने आपको बताया था 4 साल पहले। बट यार 5 मिनट लगेंगे और बनने में। गाइस तो आज मैं एक चीज बताऊं आप लोग को कि आप लोग तो YouTube पे मुझे बोलते हो कि मेरा और नानी का बॉन्ड बहुत अलग है, बट ऑनेस्टली ये मैंने कभी आप लोगों को दिखाया नहीं हो। मेरी नानी के नानी को ये इंसान के लिए एक सॉफ्ट कॉर्नर पता नहीं किस बात में है। और ये लोग दोनों का कोई सीक्रेट है जो ये लोग दोनों गपला करते बैठे बैठे घर पे, क्योंकि कुछ तो बात है। बट मेरे को आज तक ये समझ नहीं आया कि इनको इनके लिए क्या प्यार है। उन्होंने 3 बार परोसवाया उनके लिए और मेरे लिए अभी तक एक बार नहीं डाला है। बोलती है कि तू बहल है। बहल नहीं होता, बैल। बैल, बैल है, बैल। आपको क्या प्यार है इतना सागर से? सागर से इतना लगाव क्या है आपको? हाँ सब एक हो। तो मेरे में तो परसों नहीं, परसों परसों तो तू जो भी खुद ले लेता है। अबे तो अरे वो क्या बच्चा है क्या, छोटा 2 साल का? अगर देखो ये नहीं बनता था, ये नहीं बनता तो ये कम पड़ जाता था। अब वो तो कम पड़ता क्या लाओ? ओए मम्मी दिवाली से लाओ, पंजाब सिंह से लाओ, वो जहाँ से मर्जी। निकल चुके का लिए मसाला दूध लेने, मसाला दूध लांटी और मेरी नानी के लिए। तो चलते सीधा रेंज रोवर किसके पास है? कौन करण? कौन करण रे? पूरा नाम क्या? करण पटेल के करण रुद्रा कुछ रुद्रा करण कुंद्रा 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 करण कुंद्रा लुंद्रा लुंद्रा क्या बोल रहा है तू? कुंद्रा। अनवर गाइस थोड़ा सा तोतला है, सिग्नल को सिंगल बोलता है, बहुत चीजों को अलग अलग बोलता है। आधा किलो मलाई पेड़ा लिया है और 5 मसाला दूध लिया है। क्या करें भाई, झाड़ तोड़ रहे हैं हम लोग के बिल्डिंग में क्योंकि पत्थरों पे प्रॉब्लम हो रही थी। अब क्या करें, भारी लगाए गाड़ी? तो जाहिर सी बात है गाड़ी के ऊपर कुछ गिरेगा तो कौन भर के देगा। तो BMC आई हुई हमारे बिल्डिंग में क्योंकि बहुत ये हम लोग के कभी घर पे घुस रहा था तो अभी बस काटा गया है। देख के सबसे पहले ये भाई साहब आ जाते हैं हर चीज खाने के लिए। और सागर भैया अभी चखेंगे मलाई पेड़ा। मेरा फेवरेट है मेरा। खाने का देखो कैसा खा रहा है। हप्सी देखा है गाइस? ये तो ये है हप्सी भैया, ये ले। एक ही चीज है सबके लिए। भाई साहब बॉडी बना रहे, इसे बल्किंग प्रोसेस बोलते हैं गाइस। बल्किंग बल्किंग देखो। ओहो कट्स दे। अरे कड़क कर 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 डरा देता तू इतना। हाँ सुनो, सिर्फ गैस करो ये क्या है, आपका पूरा दे दूंगा।
लड्डू लाया होगा। कौन सा लड्डू? बूंदी का। अब कौन खाता है आज के टाइम बूंदी के लड्डू? शंकर खाते हैं ना। फ्रेश मलाई पेड़ा आपको एक ही अलाउड है। आपकी सेहत का ध्यान रखना है मुझे। कैसा है? अच्छा है ना? थैंक यू बोलो। थैंक यू। वेलकम मम्मा। अभी तो हुआ था, यहाँ से है बेटा, यहाँ से। मम्मा ये स्टार्ट बटन वो है भाई। हो गया, ये ठीक नहीं था। हेलो मत। मालूम पड़ेगा आपको कैसा होता है। क्या हुआ भाई, क्या हो गया? 147/85 तो मतलब गंदा है। हाँ ये है। गुड्डू को फोन करूं? तेरा दिमाग तो नहीं खराब हो गया? वो क्या करेगी? तो साथ साथ में मैंने भी डिसाइड किया कि मैं भी एक बार बीपी चेक करूं, मेरा हाई और लो है कि क्या है। मेरे को भी लग रहा थोड़ा सा हाई सा है, चेक कर लो एक बार। नानी का हाई है बट नानी ठीक हो जाएगी एक दिन में ही, होता ही उम्र में। कितना होना चाहिए नॉर्मल? 120 मेरा नॉर्मल कितना होता है? मेरे को नहीं मालूम बीपी। 120/80-90 तक होता है नॉर्मल शायद। हाथ में गाइस मेरे धक 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 हो रहा है, हाथ दुखने लग गया भाई मेरा तो। वो तो दुखता है थोड़ा, अभी लूज होएगा जब छूटेगा। हाँ हो गया, देखो 129/86 बोल रहा है। नहीं नहीं अभी नीचे उतरेगा। हो गया, छोड़ दिया ये छोड़ दिया, छूट गया। तेरा ऐसा एकदम से कैसे छूट गया? पता नहीं छूट गया, नॉर्मल है। कैसे मालूम आपको नॉर्मल है मेरा? ये 130 तक नॉर्मल आता है शायद। तो आपका कितना था? 147। मेरी नानी अभी बीपी हाई है, उसका दिमाग सटकेगा ना, वही बीपी की मशीन से तेरे मुंह पे मारेगा। सही बोल रहा ना मम्मी? मम्मी एक टिश्यू इतने जमा करके, टिश्यू छोड़ इधर इधर, हम लोग वो चीज ढूंढते रहते, जल्दी खोलिए, खोल इसको खोल। हम वो चीज ढूंढ परेशान हो और ये से स्टॉक करके बैठी है। ये क्या रखी? देख हिट, वो भी कितने? चार पांच हिट। पता नहीं मम्मी अचार डालोगे अभी हिट का। आप भी ऊपर 5-6 टिश्यू के पैकेट है बड़े बड़े, और फिर घर पे बोलती नहीं। हाँ तो यूज आप करने नहीं देते हो टिश्यू का? मेरा तो कभी यूज ही नहीं। तो ला मैं एक लेके आता हूं, दो बड़े बड़े मैं लेके जाता हूँ, बाकी का आप यूज कर लो। कौन से बड़े? वो बड़े रोल्स, बड़े रोल्स बहुत महंगे हैं। बाथरूम के लिए मम्मा, बॉडी हमारी सेंसिटिव है तो अच्छा महंगा ही चाहिए रहेगा ना। हाँ महंगा चाहिए हम लोग। अबे बाथरूम के लिए टॉयलेट रोल दूसरे होते हैं, सुअर सना। अबे यार बेइज्जती होती है, हमेशा गालियां ही पड़ती है साला। गाइस एक लो विद प्रूफ कि ये लड़का सिर्फ पीएस खेलते रहता है। अब पीएस खेलता नहीं, लाया तो खेलने के लिए लाया मैं। अरे ये उम्र है क्या खेलने की? उम्र तो तेरी भी नहीं है ब्लॉग बनाने की। क्या? हाँ अबे तू कैसे बात कर रहा है भाई से, शर्म नहीं आई तेरे को साले? देखो गाइस इसकी बात का बुरा मत मानना और प्लीज इसको नो हार्म हाँ मत करना। ये मेरा नाना था, क्यूट भोला भाई है। शायद से आ चुकी है। नमस्ते आंटी, कैसी हो आप? आशीर्वाद ले पहले। नमस्ते, जब से इंतजार कर रही है आप, कुछ नहीं करेगा आज? वो खुश है आपको बहुत टाइम बाद देखा है ना। अरे कहाँ घुस गया? हमेशा होता है। खाना नहीं गाइस, ये मेरी नानी की सबसे पुरानी दोस्त है। मम्मी को बता दिया कि मैं आई हूँ। बाप रे, आज तो देखो, आज तो इसने जोर से,
अरे खुश हो गया है। आप लोग देख रहे होंगे कि अगर बहुत खास रहा है तो ये एक प्रॉब्लम है उसको, जिसके लिए हम उसको दवाई देते हैं और वो ठीक हो जाता है। तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, तो टेंशन मत लो, ये अगर ठीक है। सिट डाउन, गुड बॉय। आ जाओ। बीमार की हालत। अरे कुछ नहीं, ऐसे थोड़ा। मम्मी का बीपी हाई है, 147 है। क्या चीज़? बीपी नॉर्मल है। ये बोल रही है हाई है। 147 हाई ऊपर का। 85 है लोग का। टोटल नॉर्मल है। ये डराती है बेबल तो। अरे गले मिलो, हाथ दिखा रही है बेचारी जब से। टिंगू सी गाइस, ये दोनों बहुत बहुत पुराने दोस्त है। 70 साल, कितने साल? अभी 60 हो गया। 60 साल पुरानी दोस्ती गाइस। आज ऐसी दोस्ती कभी नहीं मिलेगी। आज की दोस्ती सिर्फ 2 घंटा रहती है बस। बैठो, आओ बैठो। कल परसों ही बोला मैंने, क्षितिज ने एक वीडियो उतारा था, किसको बोला मैंने, बैठने दो आराम से। बैठो। कौन सा उतारा था इसे तेरा? कौन सा उतारा? अरे वो पाव नहीं छू रहा था। हाँ, वो खाने का कुछ लेके आया था। सबसे पहले आप मुंह मीठा करो, क्योंकि मैं बाप बनने वाला हूँ बहुत जल्द। बाप बनने वाला हूँ शादी के बिना। शादी के बिना बाप बनने वाला बहुत जल्दी। ये लीजिए क्या बेटा? मसाला दूध आपको बहुत पसंद आएगा। अच्छा यार, शॉपिंग करके आया आप लोग के लिए सिर्फ? अरे वाह, क्योंकि आप इतने टाइम बाद मिले हो। मेरे को मालूम तो था, मम्मी बोलती थी आप आने वाली हो। कोशिश करती हूँ, 1 घंटा डॉक्टर के पास जाना है। 3 सवा अभी आपको क्या रूट कनाल करने जाना है ना? जल्दी से दबाओ, उसके बाद नहीं दबा पाओगी, पोपली हो जाओगी आप भी। चलो ना, पियो पियो, खोलो तो खाना पीना सब खा लो ना, शाम का भी। नहीं अभी पी लो ये। हाँ मेरे को याद नहीं, थोड़ा मीठा होता है इससे ज्यादा। मीठा पंजाब सिंध का होता है, मैं वो लाया नहीं इसलिए। ये वो लाने वाला था। अच्छा। उसमें ज्यादा मीठा ज्यादा होता है, तो मैंने कहा वो नहीं पिएगी। बढ़िया है क्या? बहुत अच्छा, पिस्ते के पीसेस बड़े बड़े। गाइस तिवारी जरूर ट्राई करना, तिवारी का मसाला मिल्क इज द बेस्ट। ये तो भी आ गया। कैसे बच्चों के जैसे पी रहे हो आप दूध? कैसा है? कैसा? ये गाने बहुत परेशान किया, इसको हर चीज चाहिए, लड़के को हर चीज चाहिए इसको भाई। आप इलांटी उसको देखो मत, उसको देखो मत, आप जितना देखोगे। गाइस देखो, दो बच्चों ने मुंह में लगा दिया है बॉटल दूध का। अभी आ रही गुड्डू, गुड्डू आ रही है। गाइस इलांटी को बाइक के बारे में ज्यादा मालूम नहीं, तो उनको मैं समझा रहा हूँ कि मेरी बाइक के बारे में एवरेज। अभी आपने क्या पूछा मुझसे? एवरेज 10 है। तो अभी आपको क्या लग रहा है, 10 ज्यादा है या कम है? कम है, मैं बोली बाइक में तो बहुत ज्यादा। आपको पता है वो बाइक क्या चीज है? वो बाइक नहीं है, वो रॉकेट है। वो 0 से 100 ढाई सेकंड में पहुंचती है। कितने में? 2.5 सेकंड। हाँ? 2.5 सेकंड में भूख 100 पे पहुंच जाती है वो, इतनी तेज बाइक है वो। इफ यू ड्राइव, अगर आपने तेजी से भगाया तो, और उसका टॉप स्पीड पता है आपको क्या है? 350। माय गॉड, 350। आप बैठोगी मेरे साथ पीछे आसमान में? आप बैठोगी मेरे साथ पीछे? नहीं, जिस दिन यमराज आएगा ना मैं बोलूंगी। मुझे तू मत ले जा इसकी गाड़ी। मेरे साथ बैठे हुए तो जितने बाल है वो भी सब गायब हो जाएंगे सबके। आई एम सो सॉरी गाइज, मैं आप लोग को ये दिखाना तो भूल ही गया, अब दिखाऊंगा आपको। उसी में बिजी खेलता रहते हैं। अच्छा, जब से लाया 3 दिन हो गया। चलो इलांटी, अब मैं आपको एक चीज दिखाता हूँ, ठीक है? इसको लगा खाने की चीजें आ गया फट करके। समझ रही हो क्या चीज है ये? आपको पता है क्या चीज है ये? आपको सच में नहीं मालूम ये क्या चीज है? ठीक है, होल्ड करो, अभी गौर से पढ़ो क्या लिखा हुआ है यहाँ पे। प्रेजेंटेड टू क्षितिज डोलकिया फॉर पासिंग 1 लाख सब्सक्राइबर। अच्छा, फ्रॉम यूट्यूब इट इज। हाँ, यूट्यूब अवार्ड दिया इसको। हाँ, अवार्ड दिया मुझे, अवार्ड दिया, बड़ी बात है या नहीं? कांग्रेचुलेशंस बोलो। लेटर भी दिया? हाँ, लेटर भेजते बोलो मेरे को। लेटर दिया है क्वेश्चन? हाँ, लेटर भेजते मुझे। रिमेम्बर योर फर्स्ट सब्सक्राइबर 100 1000। ये तो अच्छी बात है ना? बहुत अच्छी बात। आज मैं जो भी हूँ ये लोग की वजह से ही हूँ, यही सब लोग की वजह से। बहुत अच्छी ट्रॉफी मिली ना? ट्रॉफी मिली है ये। यूट्यूब की साइन है ना? यूट्यूब की साइन है। अभी ये देखो, रुको, होल्ड करो, हटो हटो,
ठीक है। और मैं अभी गया था बंगला साहिब, बंगला साहिब गया था ना मैं दिल्ली में। जैसे ही मैं घर पे आया हूँ ना, तो बाबा ने मेरे लिए क्या भिजवाया देखना आपको। माय गॉड, गोल्ड गोल्ड। पढ़ो क्या लिखा है। पासिंग वन एकम दसिंग सो हजार दस टेन लाख दस लाख व्यूअर्स हो गए दस लाख। और अभी मेरे अभी फिलहाल 10 लाख ये 4 दिन पहले थे, अब हो गए 16 लाख। 16 लाख हो गए। माय गॉड, क्या ट्रॉफी है, गोल्ड कलर और सिल्वर गोल्ड। अभी आगे कौन से मिलेगी? आगे एक डायमंड का आता है, डायमंड। उसके लिए बहुत मेहनत करनी है, उसके लिए आप लोगों को मुझे सपोर्ट करना पड़ेगा गाइज, जैसे करते आए हो। तो आप लोग बोलो मुझे सपोर्ट करने के लिए, बोलो मुझे हमेशा सपोर्ट करने के लिए। क्या बोलने का, मेरे को कुछ भी नहीं मालूम है। अरे मेन इसमें अगर ये जो भी है मेरे पास आज, सच बोलूं, ये और ये इन्हीं की वजह से। सारे व्यूअर्स जितने भी है वो सिर्फ नानी को देखना चाहते हैं, मुझे नहीं, सिर्फ इन्हीं की वजह से मेरा काम चल रहा है, मुझे पैसे ये उम्र में मिल रहे हैं, इनकी वजह से मिल रहे हैं, सच बोल रहा हूं आपको। ये बोलता भी है ना। अरे तो क्योंकि मिल रहे जो है, तो जो फैक्ट की बात है, मैं उनकी वजह से कमा रहा हूँ। दिस इज द बेस्ट यार, बेस्ट है ना क्योंकि हमें मालूम है कि 27 साल हमने कैसे गुजारे इनके साथ, बहुत कठिन गए हमारे। आपने कैसे निकाल लिया 60 साल? बहुत होता है प्यार से, हर दिन में हम लोग 3 दफा बात करते हैं, मिले बिगर चलता नहीं है। वो बड़े मम्मा बड़ी हो गई है तो मैं मिलने आ जाती हूँ। आपकी एज कितनी है? मेरी 76। मम्मी साहब बंदा 15 साल 77 समझो। आप कितनी छोटी? 11 साल छोटी। 11 साल आप 76 हो? 77 लगती नहीं हो आप 77 मार्क हम टच वुड आप लगती 60 की हो सिर्फ 60 टाइप लगती हो आप, इतनी नहीं लगती हो। और आप कितनी हो मम्मी? 88 कौन बोलेगा, ये तो अभी भी यार 26 की लगती है बेचारी। दोनों जवान है, अभी भी हम जवान है दोनों। तुम लोग को कितने साल अभी हमारे जितना बनने में? 50। कौन कब पहुंचेगा उतना पहुंच पाएगा? आज की पीढ़ी पहुंच पाएगी? 50 नहीं, 50 से भी ज्यादा उसको चाहिए। नहीं 50 पूरे नहीं, मेरी एज के लिए 50, तुम्हारे लिए ज्यादा चाहिए। 60 मतलब 60 इयर्स, 60 इयर्स मत निकालना यार, अच्छे अच्छे निकालना कभी। सलाम अलैकुम, कब आया? अरे यार गाइस, नेहल के बिना तो मेरा एकदम सच बोलूं जी नहीं लगता है। तेरे को 2 दिन पहले कॉल करके क्या बोला मैंने? कुछ तो बोला था, मैंने बोला मीटिंग में हूं। नहीं, 2 दिन पहले मैंने क्या बोला, मेरे को तेरी याद आ रही है, बच्चों दिन नहीं आती ना मेरी, तो आज रहने वाला कि नहीं गाइस? तो इसका एक ही कारण है मुंबई में आने का। लेकिन ये सब कुछ कैसे होगा यार? लड़कियों के मामले में क्या है कि जो लड़की हमें चाहिए उसे हम नहीं चाहिए, और जिसे हम चाहिए वो किसको चाहिए का? और वो कारण ये है कि नेहल आया हुआ खाना खा रहा है। देखो सागर, दोनों के सेम ही लगते, भाई लग रहे। पैर मार रहा भाई, मैं दे दूंगा खाने का, बैठे बड़ा दाल रोटी दे दूंगा उसको। तो भी खा ले। तो पहले पैसे तो क्या, खुद भी आके मैं रख रहा हूँ तू मतलब आज मैं नहीं भेजूंगा तेरे घर में कोई भी सामान। इसके बाद क्या कार्ड देना भाई? तेरे को मैंने देना दे दिया है। क्या दे दिया है? इन्वेंट्री। क्या इन्वेंट्री? वो नहीं, मेरे को पूरा जो हिसाब में 5 लाख के बाद जो मेरा हिसाब बनता है आज तक, वो मेरे को फुल चाहिए। और बना लो ऐसे पार्टनर्स, मैं तो पहले मना किया था, मुझे ले ले। इलांटी नेहाल, बाय बाय नेहाल इलांटी। हाउ आर यू? हाउ आर यू बेटा? हां सब बढ़िया। किधर आप जा रहे हो अभी? अभी डेंटिस्ट। ठीक है। अरे आप लोग बस इसको बेस्ट ऑफ लक विश कर दो जल्दी। बेस्ट ऑफ लक विश कर दो इसको जल्दी। एक बात बताओ मगर, दोनों आज सच सच रिपिन किक्स किसने बनाया है, सच बताना? आइडिया नेहाल ने दिया। हां इनिशिएट किसने लिया? आइडिया नेहाल ने दिया। मेरे को लंदन से फोन करके बोला भाई देख ऐसा ऐसा सीन है, तू नाम माम ये सब बना और तू चला, मैं बस मेरा काम है इधर से जूता बेचना
और बाकी सब ओपन कर लेंगे। हाँ। तो निहाल का मेन आइडिया था हाँ। ये करने का। बट तेरा कितना शेयर है इसमें? मेरा 50% निहाल 50%। अच्छा 50-50% है। बट आजकल तो पैसे आ ही नहीं रहे फ्लो। पैसे तो 6 महीने से नहीं आ रहे, मेरा पैसा खा के बैठा है ना ये भाई। अबे निहाल तू सबका पैसा खाता है भाई, मेरा अकाउंट में 10 लाख रुपए होना चाहिए। 10 लाख क्या बोलता है, 5 लाख ही है। और बोलता है टैक्स का पैसा माइनस करना है। फोन स्कैम, स्कैमर का फोन बजा। मेरा 10 लाख होना चाहिए ड्रिप इन किट्स में, 5 लाख है क्या बोलते हैं मालूम है? सब लोग को दिया, इसको दिया, उसको दिया, 10 लाख की गाड़ी उठाया, पैसा उसमें गया, ठीक है पैसा उसमें डाला, और खर्चे करता है, बोलता है पैसे नहीं है ड्रिप इन किट्स में, और जूते पूछे तो जूते भी नहीं है, तो पैसे है कहाँ भाई? यार ये तो गलत बात है ना निहाल। तो मेरे 10 लाख को इसने बोला सिर्फ 10 के, तेरे 10 के 10 मतलब जो 5 थे वो 5 ही है, बोलता 5 के आगे 1 रुपया नहीं बढ़ा है। और तो वही का वही है, वही, और मतलब वही का वही, मतलब 3 साल से वही चल रहा है अभी। हाँ, तो मतलब मैंने बोला कि फिर मेरे पैसे गए किधर गाइस? जो इतने कम से कम सुनो गाइस, गाइस एक सेकंड गाइस, सबसे पहले आपको ये जो पेज दिख रहा है इसको जाके पहले फॉलो करो, आपको एक से एक शूज मिलेंगे इस पे, जो आपको मुंबई भी नहीं मिलेंगे, ये लोग आपके लिए अरेंज कर लेंगे। तो जाके पहले फॉलो करो ये लोग को, ये पेज को करो फॉलो। हाँ आप कंटिन्यू करो, बस उतना ही बस। अबे निहाल क्या तू सबके स्कैम करता है यार, भिखारी जैसा। चड्डी उतर रही है खंड बोला तो। आप बोल रहे हो हां, परफ्यूम के लिए झगड़ा हो रहा है गाइस। नहीं नहीं 5000 एमएल ले तेरा खा रहा है। तू जब जब आता है उसका परफ्यूम खत्म करता है भाई, तू हमेशा इसका परफ्यूम खत्म करता है भाई। सुन एक काम कर सागर, पहले पैसे मांग। दो है, तूने क्या बोला? मेरे अंकल ने सीधा भिजवाया 5-6 बॉटल से मंगाई ना, वही है बोल रहा दो। नहीं नहीं ये तो दो तूने लेके आया ताला मारने वाला तू देख अभी, और ऐसी जगह रखूंगा तो मालूम भी नहीं पड़ेगा। सुन ना तू मारना, मना कौन करा तू मारने, मारना नहीं है मेरे को, मैं रखने वाला अंदर से देख रहा हूँ निहाल हो चुका है रेडी, और वो जा रहा है का जा रहा, और निहाल का जा रहा है, और वो जा रहा है मुंह दिखाई के लिए। सागर बेस्ट ऑफ लक बोल दे निहाल को। आई एम अबाउट टू एंड माय व्लॉग एंड सी ऑल ऑन प्रोबेबली होली पे, होली के एक दिन बाद ही शायद मैं पोस्ट कर पाऊंगा, उस दिन तो नहीं कर पाऊंगा, मुझे खुद को भी नहीं पता कि मेरे प्लान्स क्या होने वाले। बट हैप्पी होली एवरीवन इन एडवांस। प्लीज़ कुत्तों जानवरों पे कलर मत लगाना मेहरबानी करके, फैमिली में लगाओ, फ्रेंड्स को लगाओ, जानवरों को मत लगाना, क्योंकि वो लोग को बॉडी में प्रॉब्लम हो सकती है, इचिंग हो सकता है। प्लीज़ पानी वाली मत डालना कुत्तों पे, कोई भी जानवर पे। होली खेलो फैमिली फ्रेंड्स के साथ, जानवरों को नुकसान मत पहुँचाना। सो थैंक यू सो मच एंड सी ऑल सून। I'm so jealous.